Hello everyone, welcome to Study IAS. Very good afternoon to all of you. Kaise ho aap sab guys? Firstly, let me know that I am audible and visible to you everyone. Aap sabko audible, visible fine hai, koi dikkat to nahi hai. Ye class hamari 9 am hoti hai, but aaj kisi wajah se aaj ye class hum abhi 1 pm le rahe hain. क्लास में स्टार्ट होने से पहले आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, दैट इज स्टडी आईएएस. दिस क्लास इज प्रेजेंटेड बाय मी, दैट इज अंकिता जिंदल. हाय अंकित. हाय सौरभ. गाइस, हमारी स्टडी आईएएस पे दो क्लास चल रही हैं. एक सुबह 9 बजे होती है, जो कि अब हम क्लास ले रहे हैं आज के टाइम पे 1 PM, और एक शाम को 6 बजे होती है, जो ज्योग्राफी की क्लास रहती है. ओके, अन अकेडमी प्लस पे अमन सर डेली करंट अफेयर शो लेते हैं, उन्हें फॉलो करना मत भूलिए. आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है कि अब ऑप्शनल की कैटेगरी अन अकेडमी ने अलग कर दी है. अगर अब आपको स्पेशली ऑप्शनल पे फोकस करना है तो उसके लिए आपको अलग से सब्सक्रिप्शन लेना होता है. ओके, ये सारे सब्जेक्ट आप चेक कर लीजिए. लेकिन साथ में एक और न्यूज है कि अगर आप 31 अक्टूबर से पहले लेते हो तब आपको अलग से पेड करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप 31 के बाद ये लोगे तो आपको इतनी अमाउंट अलग से पे करनी पड़ेगी, राइट? और अगर आप स्टडी आईएएस का कोड यूज कर लोगे, जो कि आपको करना ही है, उसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. सो दैट वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा. हाय निकिता. चलिए, एनी डाउट रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन, कोई भी डाउट है तो आप इसको यहां से इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, Recently, Life in Miniature project has been launched, which is a true statement about it. Guys, I am audible and visible to you clearly. Audible, visible, fine है क्या? Life in Miniature project अभी launch हुआ है, उससे related आपको true statement बतानी है कि सही क्या है. It is a collaborative project between the National Museum and Google Art and Culture only. It can be viewed online on Google Art and Culture by people around the world under this project. Right code बताइए, 1 only, 2 only, both या none? Okay. लाइफ इन मिनिएचर, मिनिएचर पेंटिंग सुना होगा ना आपने वर्ड, मिनिएचर पेंटिंग्स हुआ करती थी, अभी भी हैं. तो उन्हीं पेंटिंग्स के नाम पे ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, और ये लॉन्च किसने किया है? नेशनल, फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि नेशनल म्यूजियम एंड गूगल आर्ट एंड कल्चर ने इसे लॉन्च करा है. सेकंड कहती है कि इस प्रोजेक्ट के तहत अब सभी जो गूगल आर्ट और कल्चर के द्वारा जो भी इमेजेस होंगी, जो भी पेंटिंग होंगी, वो हम उन्हें ऑनलाइन देख सकते हैं. So select the right code. Okay, you said A. Answer it. Everyone must answer. Okay. See, welcome Shivanyo. Right answer, more answer. Okay, so right answer is B guys. B is your right answer. Okay, क्योंकि ये मिनिएचर जो प्रोजेक्ट है, लाइफ इन मिनिएचर जो प्रोजेक्ट आया है, यहाँ पे एक वर्ड आप देख रहे हैं ओनली, ये ओनली वर्ड ने काम खराब कर दिया. अदरवाइज नेशनल म्यूजियम जो न्यू दिल्ली का है उसने लॉन्च किया है, गूगल आर्ट एंड कल्चर ने किया है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इन तीनों ने मिलकर इसे लॉन्च करा है मिनिएचर पेंटिंग्स को, राइट? इसमें क्या होगा, जो गूगल आर्ट एंड कल्चर में मिनिएचर पेंटिंग्स होती हैं, आप उन्हें ऑनलाइन देख पाएंगे, ताकि सारा वर्ल्ड उसको देख पाए. अब सारी पेंटिंग्स ऑनलाइन कर दी जाएंगी. तो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाती है. प्रहलाद सिंह पटेल, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट कल्चर एंड टूरिज्म के मिनिस्टर है, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करा है, और नेशनल म्यूजियम जो न्यू दिल्ली का है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और गूगल आर्ट एंड कल्चर, इन तीनों ने मिलकर इसे लॉन्च किया है, राइट? It will enable online viewing of several hundred miniature painting, जैसे मिनिएचर पेंटिंग, जैसे रामायण, रॉयल सागा, ये सारी पेंटिंग के टाइप्स है. इन सभी पेंटिंग को अब ऑनलाइन कर दिया जाएगा. स्पेशली इस प्रोजेक्ट के अंदर जो डिजिटल इंडिया है उस पर बहुत ज्यादा फोकस करा है, जो हमारा इंडियन हेरिटेज है, जो टेक्नोलॉजी है, उन दोनों को मिक्सअप कर दिया है.
ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मेंस में भी बन सकता है कि आप किस तरीके से इंडियन हेरिटेज को प्रिजर्व कर सकते हैं आज के टाइम पे, जहाँ पे इतना ज्यादा डिजिटल इंडिया हो गया है, जो हर टाइम मतलब डिजिटली हर चीज होने लगी है, उस वे में आप इंडियन हेरिटेज को, इंडियन कल्चर को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो वहां पे आप ये एग्जाम्पल डाल सकते हो किस गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है. राइट, बफरिंग हो रही है क्या? गाइज बफरिंग हो रही है क्या? ओके चलिए. फिर है मिनिएचर पेंटिंग्स के बारे में, आपको यहाँ से ये चीज कवर हो जाएगी कि मिनिएचर पेंटिंग हैंडमेड पेंटिंग होती है और कलरफुल होती है. इनकी स्पेशल, इनकी खासियत क्या होती है कि ब्रश वर्क होता है, यानी कि इसमें जो पेंटिंग होती है वो ब्रश का यूज करके इन पेंटिंग को बनाया जाता है. इंडिया में 750 AD में स्टार्ट हुई थी, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में. रिलीजियस जो टीचिंग है बुद्धा की, उन्होंने इसको एक स्टार्ट दिया था. उनमें भी आप इनकी देखोगे, बुद्धा के टाइम पे भी इन पेंटिंग को यूज करा गया था. अकंपनीड बाय हिज इमेजेस वर रिटन ऑन द पाम लीव्स एंड पेंटिंग बिकेम पॉपुलर. जब मुगल एम्पायर आया तो इसको काफी ज्यादा एक अच्छी पहुंच, एक अच्छा लेवल मिल गया. ओके, मेरी तरफ से हो रही थी, सो दैट मुझे लगा कि हो रही है. वट आर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होते हैं? दे आर मैन मेड प्रोटीन दैट एक्ट लाइक ह्यूमन एंटीबॉडीज इन द ह्यूमन सिस्टम, इम्यून सिस्टम. दीज एंटीबॉडीज आर को इन्वेंटेड बाई IAVI एंड स्क्रिप रिसर्च एज इनोवेटिव इंटरवेंशन टू एड्रेस द पेंडेमिक COVID-19. बताइए राइट कोड बताओ, वन ओनली, टू ओनली, या दोनों, या बिल्कुल कोई भी नहीं? ओके, यू सेड नन, यानी कि दोनों गलत हैं. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, रिसेंटली ही न्यूज में थी, कल की न्यूज में थी ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. क्या है ये? यू सेड ए, राइट. ए बी सी, यानी कि कंफ्यूजन है. चलिए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से रिलेटेड इसका आंसर क्या होगा? सी, दोनों स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक है. एक तो ये मैनमेड प्रोटीन है, यानी कि हमने मैनमेड ने ही इसको बनाया है, और इस ये इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडी की तरह काम करेंगी, दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट है. कोविड 19 का जो टाइम चल रहा है, इसी टाइम इनको इनको इन्वेंट करा गया है, और पैंडेमिक जो कोविड 19 है उसके लिए ये एक तरीके की जो है वैक्सीन का काम करेगी, या एंटीबॉडी का काम करेगी. वैक्सीन नहीं कहेंगे हम, एंटीबॉडी का काम करेगी. तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल फाइन होंगे, बिल्कुल ठीक होंगी. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और IAVI, यानी कि इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन इनिशिएटिव, इन दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च करा है, एग्रीमेंट विद फार्मास्यूटिकल टू डेवलप SARS-CoV-2. ये नाम आपने सुना होगा, SARS-CoV-2 न्यूट्रलाइजिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. ओके, इसने इसको लॉन्च करा है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को. एंटीबॉडी क्या होता है? ये एक तरीके का ना प्रोटीन होता है, जो कि किसी दूसरे प्रोटीन के साथ चिपक जाता है, और दूसरा प्रोटीन को क्या बोलते हो? एंटीजन. एंटीबॉडी किसी एक प्रोटीन के साथ चिपकता है, उसे क्या बोलते हो? एंटीजन मिलता है. एंटीबॉडी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है जब तक उसे अपना एंटीजन ना मिल जाए, और जब एंटीजन मिल जाता है तो उसके सारे जो सेल होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है. राइट, ये इनका काम होता है बेसिकली एंटीबॉडी का. रिसर्चर कैन डिजाइन एंटीबॉडी दैट टारगेट ए सर्टेन एंटीजन लाइक वन फाउंड ऑन कैंसर सेल. यानी कि अगर ये लगता है कि हमें पर्टिकुलर इस एरिया में एंटीजन मिलेगा, या कोई बीमारी है, कोई डिजीज है, वो इस एरिया में डेवलप होती है, तो रिसर्चर चाहे तो सिर्फ इसी एरिया के लिए कोई एंटीबॉडी बना सकते हैं, जैसे कि कैंसर के केस में होता है. उसके टाइम पे वो कोई एक स्पेशल एंटीबॉडी बना सकते हैं जो स्पेशल एंटीजन को जाके स्टिक कर जाएगा. ओके, और उन्हीं को क्या बोला गया है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी. जो स्पेशल किसी एंटीजन के लिए बनाई जाए उसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बोला जाता है. इज इट क्लियर? चलिए,
Consider the following statement regarding Integrated Guided Missile Development Program. IGMD के बारे में आपको बताना है ये क्या है. It enable India to attain self-sufficiency in field of missile technology. Agni, Akash, Trishul, Prithvi and Nag missiles launched under this program. Right code बताइए. इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है ये. डू फास्ट. ओके सी ऑल राइट. चलिए सी आप सब बोल रहे हो तो ये गलत बिल्कुल नहीं हो सकता. सी विल बी योर राइट आंसर. इंटीग्रेटेड जो गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम है, डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसका उद्देश्य ये है कि इंडिया मिसाइल टेक्नोलॉजी में सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े. ओके इसके अंदर अग्नि, आकाश, त्रिशूल, पृथ्वी और नाग यानी कि पटना, इसका एक तरीके से निमोनिक्स है पटना. पी से पृथ्वी, ए से आकाश, टी से आपका त्रिशूल, एन से नाग और ए से अग्नि. राइट ये पांच पटना आप याद कर लो, ये मिसाइल हैं जो इनके द्वारा लॉन्च करी गई हैं. ये आइडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का था. उनका एम था कि हमारा इंडिया जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए मिसाइल टेक्नोलॉजी में. और इस प्रोग्राम को यानी कि आईजीएमडी को 1983 में अडॉप्ट करा गया था, लेकिन इसका कंप्लीशन कब हुआ था, 2012 में हुआ था. राइट जो पृथ्वी मिसाइल है वो शॉर्ट रेंज मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस जाती है. अग्नि जो मिसाइल है वो बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि अलग अलग रेंजेस में होती है. अग्नि वन, अग्नि टू, अग्नि थ्री, इन तरीके से अलग अलग रेंजेस में ये होती है. त्रिशूल भी शॉर्ट रेंज है जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल जाती है. नाग जो है थर्ड जनरेशन की है, एंटी टैंक मिसाइल है. आकाश मीडियम रेंज की है, सरफेस टू एयर है. तो ये सरफेस टू एयर, एयर टू एयर, सरफेस टू सरफेस, ये वर्ड याद करना जरूरी होता है. सरफेस टू सरफेस का मतलब क्या होता है गाइस कि अगर हम बोलते हैं कि एयर टू सरफेस जाएगी कोई भी मिसाइल, अगर आपने यहां से लॉन्च करी तो ये इतना ऊपर जाती है और उसके बाद सरफेस पे जाके अटैक करेगी. ओके इसको बोलते हो आप एयर टू सरफेस. काफी ऊपर तक ये जो इसकी लेंथ होती है ऊपर होती है. सरफेस टू सरफेस की अगर आप बात करो तो ऊपर तो जाएगी बस इतना, यानी कि उसकी जो हाइट होगी वो बहुत ज्यादा नहीं होगी और यहां जाके वो अटैक कर देगी. इसको आप क्या बोलते हो, सरफेस टू सरफेस मिसाइल बोला जाता है. राइट आप ये वर्ड बहुत जगह पढ़ोगे. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्यूचर अर्थ रिपोर्ट. फ्यूचर अर्थ रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करिए विच इज अ ट्रू वन. इट एम्स टू रिड्यूस कार्बन फूट प्रिंट इन होल्डिंग ग्लोबल वार्मिंग बिलो 4 डिग्री सेल्सियस बाय 2025. Climate change, extreme weather, biodiversity loss, food crisis and water crisis are global risks considered by this report. Both or none? Which is the true one? Future Earth report जो आई है उससे related आपको answer करना है. क्या है सही answer बताइए कि क्या इसका उद्देश्य carbon footprint को कम करना है. 2025 का टारगेट रखा है कब, जब तक ग्लोबल वार्मिंग को वो 4 डिग्री सेल्सियस से कम कर देंगे. सेकंड ये कहता है कि फ्यूचर अर्थ रिपोर्ट में ये सारे ग्लोबल रिस्क हैं, क्लाइमेट चेंज, एक्सट्रीम वेदर, ये सारे ग्लोबल रिस्क हैं जो इसके द्वारा बोले गए हैं. ओके सी कहते हैं दोनों सही है, डी कहते हैं एक भी सही नहीं है. आपने बोला सी इज द राइट आंसर. चलिए फ्यूचर अर्थ रिपोर्ट आप सब आंसर करो. बोथ बी राइट. निकिता, शिवम, शिवानी और राजेश कहाँ गए भाई, आंसर करिए. फ्यूचर अर्थ रिपोर्ट 25 है, 2050 है, डाउट है इसमें. चलिए सो बी इज द राइट आंसर. सौरभ ने सही बोला, यहाँ 2050 है.
और जो ये आपने ये चीज ध्यान नहीं दी, इसका जो टेम्परेचर उन्होंने बोला हुआ है, जो टारगेट है वो 2 डिग्री सेल्सियस को कम करना है, ना कि 4 डिग्री सेल्सियस, राइट। जो कार्बन फुटप्रिंट है उनको कम करना है, ये बात बिल्कुल ठीक है। होल्डिंग ग्लोबल वार्मिंग कम करनी है, लेकिन 2 डिग्री सेल्सियस तक, 4 नहीं है यहाँ पे, राइट। सेल्सियस बाय 2050, दैट्स वाई फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ये सारे ग्लोबल रिस्क है जो इस रिपोर्ट के द्वारा निकाले गए हैं, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यस, इस रिपोर्ट को साउथ एशिया फ्यूचर अर्थ रीजनल ऑफिस ने रिलीज करा है, द फ्यूचर ऑफ अर्थ 2020 रिपोर्ट। इसका उद्देश्य वही है जो हमने अभी बात करी, कि 2 डिग्री सेल्सियस को 2050 तक रिड्यूस करना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइगर प्लेट्यू। साइगर प्लेट्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, इसको आंसर करिए। इट इज नोन फॉर लार्ज नंबर ऑफ एलिफेंट एंड टाइगर पॉपुलेशन। दिस प्लेट्यू लोकेटेड इन नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट इन नीलगिरी हिल्स ऑफ केरला। इट इज एन इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर मेंटेनिंग कनेक्टिविटी बिटवीन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। राइट कोड बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट कोड बताइए, साइगर प्लेटू कहां पर है ये? क्या ये जो प्लेटू है वो लार्ज नंबर ऑफ एलिफेंट और टाइगर पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है? सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि ये जो प्लेटू है वो नॉर्थ और केरला में जो नीलगिरी हिल्स है उनके नॉर्थ और ईस्ट में ये लोकेटेड है। थर्ड स्टेटमेंट कहती है कि इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी है जो कि कनेक्ट करता है वेस्टर्न घाट को और ईस्टर्न घाट को। गाइस क्वेश्चन देखते ही आंसर क्या कीजिए, वरना आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। सी ओके, चलिए, गलत क्यों है बी? सेकंड स्टेटमेंट गलत क्यों है? अगर आप लोगों को पता है कि कोई स्टेटमेंट गलत है एंड यू आर श्योर अबाउट दैट, तो उसको आंसर क्या कीजिए, राइट। विक्रम ने चेंज कर लिया, वन ओनली, ओके। थर्ड में भी डाउट है आपको, राइट चलो ठीक है। सो साइगर प्लेट्यू से राइट आपका आंसर होगा सी, 1 एंड 3 ओनली, क्योंकि यहाँ जो वर्ड लिखा है केरला, नीलगिरी हिल्स केरला में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात हो रही है यहाँ पे साइगर प्लेट्यू की। साइगर प्लेट्यू कहाँ लोकेटेड है? तमिलनाडु की जो नीलगिरी हिल्स है वहां पे ये लोकेटेड है, दैट्स वाई सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि ये जो साइगर प्लेटू है वो एलिफेंट और टाइगर पॉपुलेशन के लिए फेमस है, और ये एक तरीके की बिटवीन कनेक्शन भी है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में है। बिल्कुल, सो 1 एंड 3 विल बी राइट आंसर। अलग से इंफॉर्मेशन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कि जो साइगर प्लेटू है वो नॉर्थ और ईस्ट ऑफ नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु के नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे लोकेटेड है ये। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर ये बनेगा जो कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में कनेक्शन लाएगा, टू सस्टेन, क्यों करेगा? टू सस्टेन एलिफेंट एंड टाइगर नंबर एंड देयर जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी कि जो ये डाइवर्सिटी है, जो ये पॉपुलेशन है एलिफेंट और टाइगर की वहां पे, उसको ये कंजर्व करेगा, सस्टेन करेगा, राइट। इट इज एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन सेवरल कंटिजुअस प्रोटेक्टेड एरिया फॉर्मिंग द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है, जिसमें वहां पे भी अपना एक जो प्रोटेक्ट करेगा ये वाला साइगर प्लेट्यू। जो ये साइगर प्लेट्यू है रिप्रेजेंट द लार्ज सिंगल पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट एंड टाइगर्स इन इंडिया। गुड आफ्टरनून विजय। ये जो साइगर प्लेट्यू है वो लार्ज सिंगल पॉपुलेशन है यहाँ पे एलिफेंट और टाइगर्स की, राइट। चलिए, व्हाट आर द मेन प्राइमरी सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया, बताइए। गाइस जो हम ये क्लास कर रहे हैं, इस क्लास में हम डेली जो करंट अफेयर आता है उस करंट अफेयर के बेस पे आप लोगों के लिए क्वेश्चंस तैयार करे जाते हैं, राइट। डेली ये क्लास 9 AM होती है, आज जैसे आप सब जानते हैं दुर्गा पूजा के लिए वजह से 1 PM ही क्लास हम ले रहे हैं, कल फिर से हमारी 9 AM रहेगी, ओके। डेली ये MCQ, तो इससे आपको आइडिया आता है कि आप लोगों को क्या पढ़ना है, जो आपने पढ़ा है वो सही आपको याद भी है या नहीं, वो सारी चीजें बहुत बेनिफिशियल है। तो इस क्लास को रेगुलरली फॉलो कीजिए,
और क्लास में पूरे टाइम तक स्टे कीजिए। अगर आपने कभी करंट अफेयर नहीं पढ़ा है, वो स्किप भी हो गया है, तब भी आपके लिए बेनिफिशियल होता है। ओके, हाय रेखा, यू सेड बी 1, 2 and 4 एडिबल ऑयल का प्राइमरी सोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, आप सबने बी आंसर कर रहे हो। चलो चलो बताइए, यू ऑल मस्ट आंसर। राजेश, प्राइमरी, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी, तो ये इस पे फोकस करना। प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन सीड या सीसम। राइट कोड है 2 and 4, 1, 2, 3, 1, 2, 4 या सभी हैं भाई। ओके, बी इज द राइट आंसर, आप सबने सही बोला। जो कॉटन सीड होती है वो प्राइमरी सोर्स एडिबल ऑयल का नहीं होती है, बिल्कुल सही। न्यूज में ये इसीलिए आया था क्योंकि गवर्नमेंट अभी प्लान कर रही है कि फार्मर की इनकम को डबल कर दिया जाए, ताकि कैसे डबल करेंगे कि जो ऑयल सीड प्रोडक्शन है उसमें हम सेल्फ सफिशियंट हो जाएं, इंपोर्ट ना करें हम वहां से। ओके, बाय 2030 इज अ मेजर टारगेट, और उसमें हमारा जो 2030 है वो टारगेट है कि 2030 तक हम फार्मर की इनकम को डबल कर देंगे और ऑयल सीड प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशियंट हो जाएंगे। ओके, सोर्स क्या है एडिबल ऑयल की, सोयाबीन, रेपसीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सीसम, सनफ्लावर, सैफ्लावर एंड नाइजर। ये सारे क्या है, एडिबल ऑयल के सोर्स हैं। और नॉन एडिबल ऑयल के क्या है, कैस्टर और लिनसीड, ये सभी प्राइमरी सोर्स थे। सेकेंडरी क्या है, राइस ब्रान, कॉटन सीड, सॉल्वेंट, एक्सट्रैक्टेड ऑयल, ट्री बॉर्न ऑयल लाइक पाम ऑयल होता है, कोकोनट होता है, ये सारे क्या है, सेकेंडरी है। सो प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, वो थोड़ा सा आपको माइंड में रखना पड़ेगा। गुड आफ्टरनून संध्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलेटेड आपको आंसर करना है, सही स्टेटमेंट क्या है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज पब्लिश बाय द वर्ल्ड बैंक, इट मेजर एंड ट्रैक हंगर एट द ग्लोबल, रीजनल एंड कंट्री लेवल। राइट कोड क्या है, 1 only, 2 only, बोथ या नन। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश करा जाता है, ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं पता तो ये समझिए कि आप करंट अफेयर नहीं कर रहे हो। कई बार ये न्यूज में आ चुका है और हम भी इसे एक दो बार रीड कर चुके हैं, सेपरेट क्लासेस में भी हम इन्हें पढ़ चुके हैं। हेलो भूपिंदर, वाई वन इज रॉन्ग, why one first statement is wrong, Rajesh said it's C, okay. चलिए, P is the right answer, आप सबने सही करा है, so that कि आप लोग करंट अफेयर को regularly और बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, congratulations. पब्लिश बाय वर्ल्ड बैंक की बात गलत है, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो हंगर को पूरे ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और कंट्री लेवल पे ट्रैक करता है। राइट, इंडिया का रैंक आया है 94, 107 टोटल कंट्रीज थी उसमें से 94 इंडिया का रैंक आया है, और इंडिया को जो है सीरियस हंगर की कैटेगरी में अब शामिल कर दिया गया है। तो स्कोर उनका कितना है, 27.2, जो कि एक डेंजर बात है और एक कंसर्न की बात है। पिछले साल इंडिया का रैंक आया था 102, 117 की कंट्रीज में से करा था, तो 102 इसमें से आया है। इस साल नेपाल का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, ओके, आप बताइए कि किसके द्वारा ये पब्लिश करी जाती है, हु पब्लिश इट। इस साल जो है नेपाल का रैंक आया है 73, तो आप देखो कि हमसे अच्छे हैं वो। पाकिस्तान ने भी इवन अच्छा परफॉर्म करा है, बांग्लादेश का 75 है, इंडोनेशिया का 70 है। तो ये जो नेबरिंग कंट्रीज हैं हमारी, वे सारी कंट्रीज बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज हैं देन इंडिया, इंडिया से ज़्यादा अच्छा इन्होंने परफॉर्म करा है। रवांडा, नाइजीरिया, अफगानिस्तान, लाइबेरिया, मोजाम्बिक, छड आर द वर्स्ट परफॉर्मर देन इंडिया। इन्होंने बहुत ज्यादा गंदा रिप्लाई करा है, बहुत वर्स्ट परफॉर्मर इन्होंने ये हैं, क्योंकि रवांडा का स्टेटस 97 है, इनका 98 रैंक है और छड सबसे लास्ट है, 107 है। राइट, ग्लोबल हंगर जो इंडेक्स है वो जॉइंटली पब्लिश बाय द कंसर्न्ड वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा इसे लॉन्च करा गया है। ग्लोबल, रीजनल और कंट्री लेवल, तीनों लेवल पर इसको रिलीज करा जाता है। यस, बिल्कुल सही। व्हाट आर द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इकोनॉमिक क्वेश्चन है ये। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है,
This is a tradable instrument issued by the central government or the state government. This security can be short or long term. It acknowledges the government debt obligation. Last कहता है सभी सही है. गवर्नमेंट सिक्योरिटी वेरी इजी क्वेश्चन. इकोनॉमिक्स आप लोग कर रहे होंगे या आप लोगों की कवर हो भी गई होगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये. ओके डी राइट, बताइए आंसर करिए. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या ये ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा इन्हें रिलीज करा जाता है. शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ये दोनों हो सकते हैं और ये गवर्नमेंट की एक डेट ऑब्लिगेशन को भी बताता है, उनको भी शो करता है. राइट, यू से डी इज द राइट आंसर. सो मैं कैसे गलत कर सकती हूँ, डी इज द राइट आंसर. तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. ये क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड करा गया था क्योंकि आरबीआई ने अनाउंस करा है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करेंगे फॉर एन एग्रीगेट अमाउंट ऑफ 20,000 करोड़ अंडर द ओपन मार्केट ऑपरेशन. ओपन मार्केट ऑपरेशन से ओएमओ से आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदेगा करीबन 20,000 करोड़ की. अच्छा अब मुझे ये बताइए कि अगर ओपन मार्केट ऑपरेशन से आरबीआई खरीदता है सिक्योरिटी तो उससे क्या किसका फायदा होगा और इससे क्या होगा, ऐसा क्यों किया? बताइए बताइए. भूपेंद्र इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को करंट अफेयर जब भी आप तैयारी कर रहे हो स्टार्ट कर रहे हो करंट अफेयर पे ध्यान आपको देना है. आप 23 में कर रहे हो ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि अभी आप इसको लर्न करना स्टार्ट करो रिवाइज करना स्टार्ट करो, नहीं. लेकिन रेगुलर बेस पे एक या तो MCQ की क्लास को या रेगुलर बेस पे हिंदू की क्लास जरूर देखिए सो दैट कि आपको पता चल जाए कि हमें पढ़ना क्या है. जब आपको एग्जाम जिस ईयर में देना होगा उस ईयर में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा. राइट और हिंदू को अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए तो सेल्फ रीडिंग करना स्टार्ट कर दीजिए तो उससे क्या होगा कि आप लोगों की जो प्रैक्टिस होगी वो अच्छी हो जाएगी. यस बिल्कुल सही. हाँ हाँ और बताइए. अगर आरबीआई परचेज करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो आरबीआई पैसा देगा पब्लिक को, है ना, परचेज करेगा खरीदेगा तो पेमेंट करेगा तो पब्लिक के पास पैसा आ जाएगा तो लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाएगी. मार्केट में जो मंदी का सिस्टम है वो थोड़ा ऊपर हो जाएगा, वो ठीक आ जाएगा. राइट हाँ यस. तो ये इसी वजह से ओएमओ को लाया गया है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन से जो लोग होते हैं पब्लिक होती है वो आरबीआई से सिक्योरिटी आरबीआई को सिक्योरिटी बेच देगी और आरबीआई खरीद लेगी. अगर आरबीआई बेचता है तो उससे क्या होता है कि स्टक करने के लिए लिक्विडिटी को करते हैं, यानी कि अगर मार्केट में पैसा ज्यादा हो गया है तो पैसे को मार्केट में से निकालने के लिए वो सेल करते हैं. राइट सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करते हैं ट्रेजरी बिल और बॉन्ड्स दोनों तरीके के, बट स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ बॉन्ड को इशू करता है और इन्हें स्टेट डेवलपमेंट लोन भी बोला जाता है क्योंकि इन्हें गवर्नमेंट इशू करती है इन ट्रेजरी बिल और बॉन्ड को तो इन पे कोई रिस्क नहीं है, कोई डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं होता कि डिफॉल्ट हो जाएंगे, इसीलिए इनको रिस्क फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट भी बोला जाता है. FPI are allowed to participate in the government security market within the quantitative limit prescribed from time to time. यानी कि जो foreign portfolio जो investment होती है वो भी allowed होती है government security में, लेकिन एक कुछ limit तक, और वो limit time to time change करी जाती है. Okay? Which is a true statement about anti-tank guided missile, NAG. ये हमने अभी करा ना इससे पहले ये question. अभी आप ये आंसर करिए कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग ये किस चीज से रिलेटेड है, क्या इसे DRDO ने डेवलप करा है? इट इज बोथ लैंड एज वेल एज एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म. क्या ये दोनों है, यानी कि इसको लैंड से भी छोड़ा जा सकता है और एयर से भी छोड़ा जा सकता है, क्या ये दोनों है? राइट कोड आपको बताना है, वन ओनली टू ओनली या दोनों या नन. यस हमने किया था अभी.
सी राइट आंसर, मोर आंसर, जस्ट आंसर। जो स्टूडेंट से बैठे हैं तो गाइज ये समझिए कि बैठे ही रहोगे, आंसर याद नहीं होंगे, ये चीजें नहीं समझ आएंगी, इंटरेक्शन नहीं करते हो तो चीजें नहीं होती हैं कामयाब। सी इज द राइट आंसर, डीआरडीओ ने लॉन्च करा है, और एयर और लैंड बेस दोनों है। ये है नाग मिसाइल, डीआरडीओ ने इसे कैरी आउट करा है। द फाइनल यूजर ट्रायल ऑफ द थर्ड जनरेशन, इस बार थर्ड जनरेशन का है। हमने जब वहां पे पटना वाला करा था वहां पे स्पेशल ये वर्ड पढ़ा था, थर्ड जनरेशन। और ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसका थर्ड जनरेशन इस बार लॉन्च हो रहा है, बोथ लैंड एज वेल एज एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द G20, G20 का मेंबर इनमें से कौन नहीं है, नहीं नॉट है आंसर क्वेश्चन में, टर्की, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान या चाइना। राइट कोड बताइए, 2 and 4 ओनली, 1 to 5, 2, 3, 4 या नन ऑफ दीज, नन ऑफ द अबव। अभी सारी कंट्री आपके आसपास की हैं तो ऐसा भी नहीं है कि आपको ये याद नहीं होगी, इनके बारे में पता होगा। स्टार्टिंग से क्लास देखना तो आपको मिल जाएगा। G20 का मेंबर कौन नहीं है, टर्की, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान या चाइना। 2 and 4 क्या ईरान और पाकिस्तान नहीं है, और 2, 3, 4 यानी कि ईरान, इंडिया और पाकिस्तान नहीं है, 1, 2, 5 यानी कि टर्की, ईरान और चाइना नहीं है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। ए बी सी कंफ्यूजन, यानी कि डी तो है, कोई ना कोई तो है ना, कि कोई ना कोई तो है, सी मेजॉरिटी में है। ए इज द राइट आंसर, 2 and 4 ईरान नहीं है और पाकिस्तान नहीं है, चाइना है, टर्की भी है, इंडिया भी है। 2 and 4 ईरान और पाकिस्तान नहीं है, बाकी दो बाकी सभी कंट्रीज है। ओके क्या चीज विक्रम, क्या कह रहे हो आप कंफ्यूजन को? ओके सर, ए इज द राइट आंसर, 2 and 4 इज द राइट आंसर। G20 मेंबर कौन है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, यूनाइटेड स्टेट एंड द यूरोपियन यूनियन। ओके चलिए, इट इज ए प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। G20 ब्रिंग करता है सभी जो डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज हैं हर कॉन्टिनेंट की, उनकी जो लीडर होते हैं उनको ये साथ में लाने का काम करता है। कलेक्टिवली जो G20 मेंबर्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं अराउंड 80% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट, यानी कि जितना पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिकली आउटपुट, यानी कि जो इकोनॉमिक है वो चलती है इकोनॉमी, उसका 80% सिर्फ G20 मेंबर ही चलाते हैं। 2/3 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, यानी कि 2/3 हिस्सा ग्लोबल पॉपुलेशन का इन्हीं कंट्रीज में है। और जस्ट वेट गाइज, एक मिनट के लिए वेट करना, कॉल है मेरे को अर्जेंटली रिसीव करना होगा। आई एम सॉरी गाइज, एक्चुअली अर्जेंट था थोड़ा। G20 मेंबर जो रिप्रेजेंट करते हैं अराउंड 80% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट एंड 2/3 ऑफ द
ग्लोबल पॉपुलेशन है एंड 3/4 यानी कि 3/4 ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड को ये रिप्रेजेंट करते हैं. विच इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्सोमार. एक्सोमार से रिलेटेड आपको रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बतानी है. इट इज़ एन जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी, रशियन स्पेस एजेंसी एंड द इसरो. इट्स एम इज टू एड्रेस क्वेश्चन वेदर लाइफ एग्जिस्ट ऑन मार्स और नॉट. राइट कोड बताइए, वन ओनली, टू ओनली या बोथ या नन. ओके, अभी कुछ देर में मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे पीडीएफ शेयर कर दूंगी जो कि रेस्ट रहती है. एक पीडीएफ मैं शेयर कर चुकी हूँ, उसके बाद की जो क्लासेस की पीडीएफ बनी है वो मैं आप लोगों को कुछ देर में आज शाम तक शेयर कर दूंगी. एक्सोमार्स से रिलेटेड आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है. फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि यूरोपियन स्पेस और रशियन और इसरो ने मिला के इसको एक्सोमार्स को बनाया है. सेकंड कहती है कि इसका उद्देश्य ये है कि ये देखना कि मार्स पे लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, उसको चेकआउट करना इसका उद्देश्य है. ओके, बी. चलिए आंसर करिए सब. राइट, बी इज अ राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे इसरो नहीं है. चलिए, इसरो नहीं है तो बताइए किसके द्वारा ये हुआ है. इट इज अ रॉसकॉस्मोस, यानी कि रॉसकॉस्मोस एक स्पेस एजेंसी है, उनके द्वारा इसे स्टार्ट करा गया है, प्लस रशियन प्लस यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इन तीनों ने मिलकर इसको स्टार्ट करा है. इसका उद्देश्य यही है कि मार्स पे लाइफ चेक करेंगे ये, और जो लॉन्च होगा एक्सोमार्स का डिले टू 22, यानी कि अभी ये डिले हो गया है, 22 में इसको अब लॉन्च करा जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2020 वॉज रिलीज. ये इंडेक्स है, ये अभी रिलीज करा गया है, उससे रिलेटेड आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, विच इज अ रॉन्ग वन. इट वॉज लॉन्च बाय द नीति आयोग इन पार्टनरशिप विद द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस. इट एम्स टू आइडेंटिफाई चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपोर्ट. महाराष्ट्र हैज टॉप द ओवरऑल एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स फॉलोड बाय गुजरात एंड तमिलनाडु. या लास्ट है ऑल द अबव. बताइए आपको गलत बताना है, स्टेटमेंट गलत कौन सी है. एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स ये भी बताइए किसको लॉन्च किसने करा है. फर्स्ट स्टेटमेंट जो लिखी है वो सही है कि नहीं. नहीं, ये डेली बेस पे करंट अफेयर एमसीक्यू चल रहे हैं, ये टॉपिक हम ऑलरेडी कवर नहीं किए हैं हमने. सी. ओके, सही आंसर क्या है, किसने टॉप किया है अगर महाराष्ट्र ने नहीं किया तो. एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020, राइट. सी इज द राइट आंसर. सी, महाराष्ट्र ने टॉप नहीं करा है. पहली स्टेटमेंट कहती है कि नीति आयोग ने आईसी के साथ, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर इसके लॉन्च किया है, ये बिल्कुल सही है. एक्सपोर्ट में क्या चैलेंजेस और क्या अपॉर्चुनिटी है उसको ये चेकआउट करता है. पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, ये चारों इसके की पिलर्स हैं जिसके बेस पे स्टेट को रैंक करा गया है. यानी कि कौन सा स्टेट कौन सी पॉलिसी को अडॉप्ट करता है, किस तरीके के बिजनेस इकोसिस्टम को अडॉप्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम कैसा है किस स्टेट का, किसका ज़्यादा बेटर है किसका थोड़ा कम है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो इन सब के बेस पे हर स्टेट को रैंक करा जाएगा. राइट, इट आइडेंटिफाई चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी, एनहेंस करेगा इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी और इनकरेज करेगा फैसिलिटेटिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर एक्सपोर्ट. यानी कि एक्सपोर्ट के लिए ये जो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उन सबको दिखाएगा. गुजरात ने टॉप करा है, ये आपने बिल्कुल सही बोला. यस, लैंड लॉक स्टेट की अगर बात की जाए तो राजस्थान ने टॉप करा है, उसके बाद तेलंगाना और हरियाणा आता है, और हिमालयन स्टेट की बात करी जाए तो उत्तराखंड, त्रिपुरा एंड देन हिमाचल, और यूटी की बात करी जाए तो दिल्ली ने, न्यू दिल्ली ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है. ओवरऑल अगर बात करी जाए तो गुजरात ने टॉप करा है, फिर महाराष्ट्र आता है एंड देन तमिलनाडु आता है, तो ये सीरीज होगी. ये चेक कर लेना इनके रैंक है, इनका स्कोर है ये.
Recently, Electronic Pension Payment Order EPPO with DigiLocker initiative was launched. DigiLocker के साथ इसको launch करा है, which is the true about it. The initiative has been launched by the Ministry of Personnel, Public Grievance and Pension. It will enhance ease of living of central government civil pensioner. The integration facility has been created with the Bhavishya software. Right code क्या है? 1N3, 2N3, 1N2 या OLA2? बताइए. EPPO इलेक्ट्रॉनिक पेंशन पेमेंट ऑर्डर विद DigiLocker इनिशिएटिव, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. करिए, आंसर करिए, विच इज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट इट. ओके, सही आपने बोला, सभी स्टेटमेंट डी है, राइट. द इनिशिएटिव ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवेंस ने लॉन्च करा है. इसकी वजह से जो ईज ऑफ लिविंग है सेंट्रल गवर्नमेंट का, सिविल पेंशनर का, उनका इंक्रीज हो जाएगा. और ये जो फैसिलिटी है इसने क्रिएट करा है एक भविष्य सॉफ्टवेयर जिसके तहत ये लॉन्च करेगा. बी सी और डी अगेन कंफ्यूजन है. बी सी और डी यानी कि तीनों स्टेटमेंट में है. इलेक्ट्रॉनिक पेंशन पेमेंट ऑर्डर विद द DigiLocker इनिशिएटिव, ये पर्सनल ने इसको लॉन्च करा, ये बात बिल्कुल सही है. सेकंड है कि ईज ऑफ लिविंग इससे अच्छा हो जाने वाला है, वो सही है. और भविष्य सॉफ्टवेयर इसके लिए लॉन्च करा है, राइट. इट विल एनहैंस ईज ऑफ लिविंग सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल पेंशनर. EPPO जनरेटेड थ्रू द पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि PFMS के द्वारा इसको लॉन्च करा गया है. इट विल एलिमिनेट इन रीचिंग PPO टू न्यू पेंशनर, जो नए पेंशनर होंगे उन तक जो पेमेंट पहुँचेगी वहाँ तक डिले नहीं होगा, बहुत फास्ट पेमेंट उन तक पहुँच जाएगी. भविष्य एक ऑनलाइन पेंशन सेंक्शन है और पेमेंट ट्रैकिंग सिस्टम है इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल. ओके, चलिए अभी बताइए क्लास आप लोगों को कैसी लगी. क्लास आज यहीं तक थी और हमने क्वेश्चंस, इतने ही क्वेश्चंस आज थे आप लोगों के लिए. टेल मी हाउ यू फील अबाउट द टुडेज क्लास. आज की क्लास आप लोगों को हर टॉपिक, हर क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आया कि नहीं आया, राइट. एनी क्वेश्चन यू हैव, कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछिए. लाइक भूपेंद्र, आप कह रहे हो 23 के लिए, ठीक है. मैं ये नहीं कहती कि आप रेगुलरली करंट अफेयर करिए क्योंकि अभी आपके पास 3 साल है. आप कह रहे हो बर्डन हो जाता है, मत करिए, राइट. अभी मत करो, राइट, मत करिए. लेकिन NCERT पढ़ लीजिए, अपना जो आप कॉलेज है उसको रेगुलर करिए. NCERT कर लीजिए, इसको रेगुलर करो ताकि एटलीस्ट आपका बेसिक कवर हो जाए. कोशिश करिए कि हिंदू को रेगुलरली फॉलो करें और किसी की क्लास नहीं बल्कि खुद से रीड करो, सेल्फ रीडिंग करो, सो दैट, और उसको एनालाइज करने की कोशिश करिए सो दैट कि आपको ये हो जाए कि हिंदू आप लोगों को पढ़ना आ जाएगा, अगर आपके पास 2-3 साल का टाइम है तो. अदरवाइज MCQ की एक क्लास है, इसको रेगुलरली फॉलो करिए. डेली बेस पे आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे और आपकी चीजें बहुत ज्यादा याद हो जाएंगी. एक क्वेश्चन जितनी न्यूज हिंदू में दी है उससे अलग अगर कोई न्यूज आई है, सिंपल वे में कोई न्यूज आई है, तो MCQ में क्या होता है, अगर वो न्यूज काम की नहीं है तो उससे रिलेटेड जो फैक्ट होते हैं, स्टैटिक बेस्ड जो क्वेश्चन होता है उससे रिलेटेड आप लोगों के लिए डाला जाता है. इससे क्या होगा कि स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों क्वेश्चन, दोनों जो पोर्शन है वो बैलेंस्ड हो जाएगा और अच्छे से आप लोगों की तैयारी बेस्ट चलने वाली है. ओके, यस नरवी सिंह, ये क्लास डेली होती है, सुबह 9 बजे होती है. जैसे मैंने बोला आज दुर्गा पूजा की वजह से इसको हमने 1 PM रख लिया था. शाम को 6 बजे क्लास होगी जिसमें हम ज्योग्राफी का सेक्शन करेंगे. कल भी हमने करी थी क्लास, उसमें हमने किया था अर्थक्वेक कैसे आते हैं और इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर स्ट्रक्चर कैसा है अर्थ का, उस पर क्लास करी थी. आज हम करेंगे कि वोल्केनो कौन सी होती है और किस तरीके से क्रिएट होती है और वो सारी चीजें, अर्थक्वेक और वोल्केनो वाला सिस्टम आज हम करेंगे. ओके रजत, विल श्योर फाइन. एनी क्वेश्चन यू हैव,
चलिए, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस क्लास. यस बिल्कुल होगा, शाम को 6 बजे क्लास होगी, 6 PM क्लास होगी. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स विद इन योर कनेक्शन. सब्सक्राइब करिए चैनल को, इसमें बहुत सारे इनिशिएटिव स्टडी आई एस आप लोगों के लिए ले रहा है. फ्री जो मटीरियल है वो स्टडी आई एस आप लोगों को प्रोवाइड कराता है. ओके और सब्सक्राइब करिए स्टडी आई एस को, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए. अन अकेडमी अंकिता जिंदल इज माय पर्सनल टेलीग्राम चैनल, स्टडी आई एस इज द ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल. उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो दोनों चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा. ओके चलिए, थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, थैंक यू फॉर हियरिंग मी एंड हैव ए नाइस डे अहेड. यस विक्रम, करंट अफेयर की क्लास नहीं एंड होगी बट ज्योग्राफी की क्लास अभी स्टार्ट ही हुई है, चलने दो. ओके आप लोगों का एटलीस्ट एक बार सिलेबस